कल सुबह अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समीप रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गड्ढे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके बारे में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पर देखने पर लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है पत्थर से मार के। तो इस व्यक्ति की पहचान बाद में पूर्णो राणा कंसारी नाम से हुई और इसका तेजी से अनुसंधान करते हुए लगभग 12 घंटों के भीतर ही इस कांड को अध्ययन कर लिया गया। इसे पता चला कि दो व्यक्ति कार्तिक महतो और रमेश नायक ये लोग शराब के नशे में उस आसपास आए थे और व्यक्ति वहीं खड़ा था और उपद्रव कर रहे थे, पत्थर चला रहे थे। उसी क्रम में उसके सर पे पत्थर लगा जिससे गिर गया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने लाश को छुपाने की नीयत से दोनों ने मिलकर उसकी लाश को उठा के गड्ढे में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गए। तो इस प्रकार इस कांड को अध्ययन कर लिया गया और जिस पत्थर से उनकी मृत्यु हुई वो पत्थर भी बरामद कर लिया गया। ये ट्रक पीते रहे नहीं, ये शराब के नशे में इधर उधर पत्थर फेंक रहे थे, कब्र पे भी पत्थर चला रहे थे, लोगों से जो गुजर रही थी। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं पता चला है।